हेलो गाइस, मैं हूं नैन्सी छाबड़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स एंड प्रॉपर्टी मॉल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी जो कि कमर्शियल के साथ साथ आपको रेजिडेंशियल पर्पस के लिए भी सही रहेगी कि अगर आप कोई ऑप्शन देख रहे हैं कम बजट के अंदर। तो इसमें क्या है कि ये जो कमर्शियल शॉप बनी हुई है, ऑलरेडी आप हमारे जो प्रीवियस शॉट्स होंगे उसमें आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी हैपनिंग प्लेस है। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो रिजाइड कर रही है, लोग आसपास रह रहे हैं और ये शॉप भी मार्केट में बनी हुई है जो कि चलती हुई मार्केट है। आसपास सारी जो शॉप्स हैं वो वर्किंग कंडीशन में है। तो अब बात आ जाती है इसके साइज़ की। ये 12x32 का इसका कमर्शियल का साइज़ रहेगा जी। 12 फिट इसका फ्रंट है और 32 फिट इसकी लेंथ है। अब आपको इंटरनल इसका जो दिखा देते हैं, अकोमोडेशन या जो भी स्पेस इसमें बना हुआ है। तो शॉप में एंटर होते ही आपको फ्रंट पे, जैसे इन्होंने यहाँ पे ये पार्टीशन की हुई है, ये इनके फर्नीचर का ही पार्ट है। बट यहाँ पे अभी क्या है कि आपको जो मॉडिफिकेशंस हैं वो अपने हिसाब से करवानी पड़ेंगी। जो भी मान लो यहाँ पे आप बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं या जो भी काम करना चाहते हैं तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंजेस जो हैं करवा सकते हैं। ये टेम्परेरी बेसिस पे अभी यहाँ पे रिजाइड भी कर रहे हैं तो अपने हिसाब से आप इसे सारा चेंज कर सकते हैं। एंड बात करें अगर फॉल सीलिंग की तो वो वर्क आपको यहाँ पे विद एलईडी लाइट्स ऑलरेडी सारा करवा कर दिया गया है और ये एज इट इज़ ही रहेगा। साइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इन्होंने अभी जैसे यूज़ कर रहे हैं इन्होंने अपने हिसाब से कर रखा है। बट आप जो क्या है अपने अकॉर्डिंग इसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इसे मॉडिफाई करवा सकते हैं। अब इसी शॉप के साथ ही जो आपको नीचे वाले पोर्शन पे भी वॉशरूम दिया गया है वो हमारा अटैच रहने वाला है। जैसे कि सपोज़ आप काम कर रहे हैं या कोई भी आपके वर्कर्स वगैरह हैं तो वो इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड इसी के साथ ही जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि ये कमर्शियल के साथ आपका रेजिडेंशियल पर्पज़ को भी सॉल्व करती है, तो इसकी जो स्टेयर्स हैं एंड ऊपर की जो अकोमोडेशन है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो अब आपको दिखा देते हैं जो हमारे ऊपर का रेजिडेंशियल एरिया जैसे ये यूज़ कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि आप वीडियो में ही देख सकते हैं इसके जो कंडीशंस वगैरह हैं वो आपको यहाँ पे इसे रीनोवेट करवाना पड़ेगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसे रिपेयर वगैरह जो भी चाहते हैं वो आप करवा सकते हैं। तो अब आपको दिखाते हैं इसके ऊपर वाला स्पेस जो ये एज अ रेजिडेंशियल पर्पज़ अभी यूज़ कर रहे हैं। तो ये वाला जो स्पेस आ जाता है जो ये एज अ रेजिडेंशियल पर्पज़ अभी यूज़ कर रहे हैं, तो फ्रंट पे ही जैसे इन्होंने यहाँ पे अपना बेड लगा रखा है तो ये आप एज अ वन रूम सेट यूज़ कर सकते हैं। एंड इसी के साथ ही जो अपना आ जाता है सेकंड बेडरूम की स्पेस, तो ये एज अ यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे सेकंड बेडरूम, तो ये स्पेस आप देख सकते हैं। इसी के साथ ही आ जाता है किचन एरिया, तो ऊपर वाले फ्लोर पे हमें 2 बेडरूम्स के साथ की स्पेस एंड इसी के साथ ही जो हमारा किचन है वो मिल जाएगा एंड उसके साथ जो आपका वॉशरूम है वो एक रहने वाला है कॉमन। तो अभी जो क्या है कि मैंने आपको बताया जैसे इसकी जो भी कंडीशन है एट प्रेजेंट उसमें आपको मॉडिफिकेशंस करवानी पड़ेंगी या जो भी आप रिनोवेट वगैरह इसे करवाना चाहते हैं, तो ऊपर वाला जो फ्लोर है उस पर भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करवाया था बट वो अभी पेंडिंग में है तो वो भी आपको दिखा देते हैं एक बार। तो ऊपर वाले फ्लोर पे आप देख सकते हैं लेंटर का जो काम है वो कंप्लीट है बट यहाँ पे जिस तरह भी आप इसे यूज़ करना चाहते हो या जो भी मॉडिफिकेशंस आप इस पर करवाना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से इसमें करवा सकते हैं। पूरी सेकंड फ्लोर तक ये कंस्ट्रक्टेड आपको बिल्टअप मिल रही है एज इट इज़। एंड इसी के साथ ही जो आपका लास्ट जो हमारी छत आ जाती है उसके लिए भी इन्होंने स्टेयर जो एरिया है वो दे रखा है। एंड इसी के बाद ही जो आपके फ्रंट साइड की स्पेस है वो भी यहाँ पे आपके मिल जाएगी। एंड इन्होंने जो यहाँ पे भी वॉशरूम की स्पेस है वो वेकेंट रखी हुई है, यहाँ पे फिटिंग्स वगैरह नहीं हो रखी हैं इन्होंने, जैसे परमानेंट अपना सेटलमेंट नहीं की हुई है, मतलब टेम्परेरी बेसिस। तो स्पेस आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे ये पूरा सेकेंड फ्लोर तक बना हुआ एक बिल्टअप कमर्शियल विद रेजिडेंशियल एरिया आप इसे कह सकते हैं। बट अगर आप इसे एज अ कमर्शियल ही पूरा यूज़ करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं कि जैसे किसी को भी आपने देना हो फ्लोर वाइज तो रेंटेड के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप रेंटल पर्पस के अकॉर्डिंग इसे यूज़ करना चाहते हो तो वो भी आप इसे कर सकते हैं। तो प्राइस की अगर हम बात करें इसका जो आस्किंग प्राइस है वो 35 लाख है बट ऑन टेबल जो भी थोड़ा बहुत होगा वो नेगोशिएट हो जाएगा। बाकी ऐसे ही और वीडियोस के लिए या अगर आप कोई भी कमर्शियल आसपास देख रहे होंगे ट्राई सिटी के तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे गिवन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर आप और भी कोई प्रॉपर्टी के ऑप्शंस देख रहे होंगे ट्राई सिटी के नियर बाय तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन
ऑप्शन मिल जाएंगे, कमर्शियल में भी, रेजिडेंशियल में भी, आपके बजट के हिसाब से। थैंक यू सो मच।